So good morning everyone, my name is Muskan Sharma and we are here for the session Team Management and Communication. As we all know about these topics, it's very obvious that how we can communicate, but still we don't communicate, na? Hum kehte hain communication is a key. Matlab ek taale ki chabi hai. Agar humne wo key hi galat use kar li, to na taala khulega na chabi rahegi, kuch kaam ki nahi. ठीक है, तो हमें कम्युनिकेशन आपस में क्यों चाहिए? अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं, सपोज अगर हम कम्युनिकेट नहीं करते, हम अपनी ही प्रॉब्लम्स जो हमें फेस कर रहे हैं, अगर वो हम अपने साथियों को नहीं शेयर कर रहे, तो कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जिसकी वजह से ना आप काम कर पाते हैं और ना ही आपके साथ काम करने वाला इंसान काम कर पाता है ना? अपनी प्रॉब्लम्स शेयर कर सकते हैं हम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है अगर आपको कहीं पे भी काम करना है. दूसरा, टीम मैनेजमेंट उसी से ही रिलेटेड है. टीम मैनेजमेंट तब तक नहीं होगी जब तक कम्युनिकेशन नहीं होगी. नहीं होगी जब तक हम लोग आपस में नहीं होंगे, तभी उसके बिना टीम मैनेजमेंट नहीं हो सकता. और कम्युनिकेशन का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि अगर एक सीनियर है तो वो अपने जूनियर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकता है, या जूनियर सीनियर के साथ नहीं कर सकता. कम्युनिकेशन में एक ऑनेस्टी होनी चाहिए या एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए अगर आप किसी से बात कर रहे हो, बट कम्युनिकेट करना चाहिए. टीम मैनेजमेंट में अगर हम बात करेंगे तो कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे डेडिकेशन. अगर आप डेडिकेट नहीं हो उस काम को लेकर, कोई मतलब नहीं है. रेगुलरिटी नहीं है, आपका किसी दिन काम करने का मन है, किसी दिन नहीं है तो उसको छोड़ दिया. पंचुअलिटी सेम पार्ट आ जाता है. हमें लगता है कि काफी चीजों में मैंने ये चीज सुनी है, यार टाइम बहुत बाउंडेशन है, है ना? बट अगर आपको स्कूल में टाइम दिया जा रहा है 8 बजे का, अगर हम उससे लेट आते हैं तो नहीं अलाउ करते ना, फाइन होता है, ये सब चीजें होती है. वो क्यों सिखाया जाता है? क्योंकि अगर आप पंचुअली नहीं रहोगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे. आपका पूरा का पूरा दिन का शेड्यूल ही बिगड़ जाएगा, शेड्यूल आपका कुछ नहीं रहेगा. कॉन्ट्रीब्यूशन, मुझे या किसी भी सीनियर को ये चीज ना बतानी पड़े कि यार तुम्हारे ये काम है, है ना? हमें खुद से पता होना चाहिए कि हाँ मैंने इतना काम आज करना है, मुझे पता है, है ना? अगर मैं बोलूँ मुझे कुछ पता ही नहीं है, मुझे क्या काम करना है, तो ये बहुत ही एक छोटा सा टॉपिक आ जाता है. क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको जो काम सौंपा गया है वो इतना छोटा है कि बस हो गया, खत्म हो गया काम और है ही नहीं. तो कॉन्ट्रीब्यूशन अपनी तरफ से होना चाहिए, रेदर देन आपको कोई बोले तुम्हारा ये काम है, तुम ये कर लो. रिमाइंडर्स तुम्हें कोई ना दिलाए, तुम खुद अपने रिमाइंडर बनो. टीम मैनेजमेंट में ये सब चीजें आ गई. और किस तरीके से टीम मैनेजमेंट होता है, कुछ आइडिया? आज के लिए बस इतना ही. कल नए सेशन के साथ मैं ये ट्राई करूंगी कि कुछ ऐसा टॉपिक हो जिससे और क्लैरिटी आए और आप लोगों की इन्वॉल्वमेंट और बढ़े. थैंक यू.